मैं हूँ फालतू न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ीक। हमारे साथ ख़ास खसूसी कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहसिन खान हैं जो एकदम बड़े नेता लोग हैं, और शाहरुख भाई है जो कांग्रेस के बड़ा, वो भी बड़े नेता हैं, अभी फ़िलहाल जीते हुए हैं, और मोहसिन साहब आ रहे हुए हैं हमारे पचपदरा क्षेत्र से, ठीक है ना। अपने विधानसभा का चुनाव में जो रैलियाँ की थी उसमें आपकी क्या मतलब, कहाँ कहाँ रैलियाँ की थी और कैसे कैसे रैलियाँ की थी सर, बताइए थोड़ा। देखिए सर, अभी इसके लिए फ्लैक्स पैक में जाना पड़ेगा। एक ओ सर, वो रैली भी बहुत की हमने, और अफसोस ये है कि हम तीनों पांचों राज्य में हार गए हैं। तीनों राज्य में तो फिर भी टक्कर की है, दो राज्य में तो हमारा तलिया बोल गया है, और तीनों राज्य में सूपड़े साफ हो गया है। अब आपको वहाँ से लोग चंपल मार मार के भगाया था? नहीं नहीं नहीं, ये अफवाह है सिर्फ, हमने देखा सर ये न्यूज़ वाले ने। अच्छा, वो न्यूज़ वाले भी अफवाहवाद है आपका? आप कैसे अफवाह फैला रहे, हम न्यूज़ वाले हैं भाई साहब। सॉरी सॉरी, क्या सॉरी, आपको तरीका नहीं बोलने का, जाइए बात, जाइए। मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, माइक तोड़ दोगे, माइक तोड़ दोगे बोलने का तो आपको इज्जत है ना। ऐसे ऐसे महीने पार थे यार, आपको चंपल मारे लोगों ने, आपका मुंह काला किया तो मैंने सुना है वहाँ पे। सॉरी सॉरी, अभी आप पूछो, आपको बोलने का तरीका नहीं, हटो, आप बोलिए सर। हमने 2018 में बहुत ही अच्छी तरह से जीता है, हमने रैलियाँ की थी, वो जरा उनके बारे में देख के रैलियाँ, ये जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भाइयों और लुगाइयों, आज मैं नमस्कार कर रहा हूँ, कल मैं तुम्हारे सामने चमत्कार करूँगा। 3 भाइयों, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? पैसा, पैसा, पैसा। जावेद, पैसा। भाइयों, मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन ला के दूंगा। अमिताभ बच्चन के साथ मैं कैटरीना भी ला के दूंगा। हम तो वोट आपको ही देंगे। हमारा नेता कैसा हो, उल्लू का बेटा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उल्लू का बेटा जैसा हो। दोस्तों, आज की सभा यहीं पर खत्म होती है, और हाँ याद रखना, जब मैं जीतूंगा ना तब वो वादे याद रखना, तुम्हारे पास कैटरीना और अमिताभ जरूर आएंगे। हमारा नेता कैसा हो, उल्लू का बेटा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उल्लू का बेटा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उल्लू का बेटा जैसा हो। देखिए, अच्छा जी, कैसी शानदार रैलियाँ थी, देखी ना, तो फिर इनकी तरह रैलियाँ नहीं की हमने, मार नहीं खाई है दूसरों से, मार क्या क्या मार खाई क्या। मेरी बात सुनिए सर, अरे सर, अरे छोड़ छोड़ दीजिए, अरे ये ऐसे ऐसे मारते हैं, जीत के इसके मतलब मारेंगे यार, यही मारते हैं जीतने के बाद। मैं आ रही हूँ, इसका मतलब दो मिनट रुक जाइए ना सर, आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, सुना है कि बीजेपी में, अरे अरे चुप हो सर, तुम भी मार दो यार। देखो स्टूडियो आई, ये कोई तुम्हारे नाना का घर नहीं है, तमीज से बैठे, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है ना। मैंने सुना है कांग्रेस के नेताओं को उससे शक्कर से, गुल से, खोपरे से तोला गया। हाँ सही बात है, मुझे भी तोला, मैंने 60 किलो का गुल तोला था। क्या तोला, क्या तोला, 60 किलो गुल, अरे तुम्हें क्या मालूम, 60 किलो मारना मार। सुना है बीजी कांग्रेस वालों को तो गल में, शक्कर में, खोपरे में तोला, ना भी तोला है आपको, तोला नहीं आपको, चंपलों से बहुत बुरी तरह से पीटा गया क्या सर? हाँ सही बात है, इनको तो चंपलों के साथ पीटा है। नहीं देखिए, दो दो, तीन तीन, चार चार, हमारे यहाँ से लेके जा रहे थे, मेरे बेइज्जती करता है ये, देखो ऐसे ऐसे। आप शांत रहेंगे ना वरना मेरे भी कुछ हो जाएगा। हाँ बोलिए सर, सर इनको है ना बहुत ही, वो आते है ना सड़े गले चंपल, उनकी माला बना के पहनाया, फिर मारा, बहुत सारी धुलाई की है। देखिए सर मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुनिए, अपन अच्छे तरीके से बात करते हैं, ये स्टूडियो है, ये इसके बाप का घर का नहीं, तमीज की, तमीज की, माय डियर लैंग्वेज सर, ऐसी लैंग्वेज हमारे गलत बोलते हैं, यही मारना हमारे स्टूडियो में, ऐसी लैंग्वेज ना धुलाई हो जाएगी आपकी, शिक्षा बैठ, सॉरी सॉरी, बात कीजिए। देखिए सर मेरी बात सुनिए, ये स्टूडियो है, इसका अपने केयर करना चाहिए हमें, केयर नहीं, इज्जत करो, बोलना भी नहीं आता है तुमको, सिखाया कि नहीं सिखाया कुछ इसको यार, इसकी इंग्लिश नहीं समझ में आता है तुमको यार, स्टूडियो लेके बैठो, इतना बड़ा फालतू न्यूज लगा के बैठो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए हमने वो, हमने बहुत